सबसे पहले एक बेहतर पिता बनूं, बड़े प्यार से मिलती हैं और आधा मिनट भी अगर आपको दें तो उस आधे मिनट के लिए आप उनकी दुनिया हैं। उनके इंटरव्यूज़ देख के, उनकी फिल्में देख के बहुत बहुत इंस्पायर हुए। रैपिड फायर है छोटा सा मेरे पास आपके लिए। सो मैं एक्ट्रेस का नाम लूँगी, उनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या था आपको वो कहना है। सो स्टार्ट करते हम लोग। सबसे पहला अमिताभ बच्चन। अग्निपथ। सुष्मिता सेन। आइडल, मैंने अभी भी बोला था। दूसरा वर्ड है कंपैशन। उन्होंने अगर कोई भी थोड़ा पर्सनली उन्हें जाने तो देखेगा कि कैसे वो सभी शख्स से बड़े प्यार से मिलती हैं और आधा मिनट भी अगर आपको दें तो उस आधे मिनट के लिए आप उनकी दुनिया हैं। मोना सिंह। वर्सेटाइल, वो जिस तरह का काम कर रही हैं आजकल, पीछे उनकी कफस आई है, कौन सी थी वो शादी वाली, मैं नाम भूल जाता हूँ, और फिर अभी काला पानी में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अभी भी कुछ शूटिंग कर रही हैं, मुझे पता है वहाँ भी वो बहुत अच्छा काम करके आएंगी। शाहरुख खान। इंस्पिरेशन, वो सबसे बड़े मेरे अगर कोई एक आदमी हैं जिनका मुझ पर सबसे बड़ा असर रहा है, सबसे लंबा असर रहा है, वो शाहरुख खान है। उनके इंटरव्यूज़ देख के, उनकी फिल्में देख के बहुत बहुत इंस्पायर हुए हैं, उनके जैसा बनना चाहें। मेरी जनरेशन तो पूरी DDLJ देख के, और ये रैपिड फायर रहा नहीं एक शब्द का, लेकिन अब मैं बोलता रहूँगा। और मुझे मिलने का मौका मिला है उनसे 2-3 बार। जैसा मैंने कहा, मैं डायलॉग कोच भी हूँ, तो मैं ज़ीरो के सेट पे कटरीना का डायलॉग कोच था, तो मैं 1-2 बार गया था और खान साहब से मिला था। और मैंने दूसरे लोगों से सुना था कि जब वो मिलते हैं तो वो इतने प्यार से मिलते हैं कि वो ख़रीद लेते हैं आपको, और मेरे साथ भी वही हुआ। और जैसा कि एक सच्चे फ़ैन के साथ होता है ना, कि आपको डर लगता है कि जब आप उस आदमी के सामने आ गए जिनको आपने आइडलाइज़ किया है अपनी आधी ज़िंदगी, तो ये ना हो यार कि जैसा मैं मान के चल रहा हूँ ना, एक वो जो कांच में बना हुआ एक इमेज है वो चकनाचूर ना हो जाए, कि मैं मिलूँ और वो कुछ ऐसा बोल दे या कुछ ऐसा कर दे कि आपको लगे यार ये वही है जिसको मैं खुदा बना बैठा था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, टोटली इसका उल्टा हुआ। मैं मिला उनसे, कटरीना ने ही कुछ एक छोटा सा किस्सा हुआ था, उतने में नहीं जाऊँगा, लेकिन वो इतने प्यार से मिले और जैसा मैंने सुना था कि वो ख़रीद लेते हैं, और जब दूसरी बार मिला तो और भी प्यार से मिले। और हाँ, मतलब आई एम अ फैन फॉर लाइफ। तो शाहरुख खान से बड़ी इंस्पिरेशन और वजह मेरे यहाँ होने की कोई नहीं है। सो नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इंस्पिरेशन टू मैनी पीपल लाइक मी। लीग से हटकर उन्होंने सिर्फ अपने टैलेंट और अपनी मेहनत की बदौलत जो इतना अच्छा अच्छा काम किया है और सबने सराहा है यहाँ इंटरनेशनली, तो वो मतलब वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। अगर हम वैसा कुछ भी कर पाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब उन्होंने एक पूरा एक नया एक दरवाज़ा खोल दिया ना सबके लिए। एक होता है ना कि आपको एक थोड़ी चिंगारी चाहिए, एक ढर्रा बना हुआ था कि ऐसा ही हीरो होता है या ऐसे ही एक्टर्स होते हैं इस लुक के, इस हाइट के, इस बिल्ड के, उस सब को तोड़ के उन्होंने एक नई राह एकदम जो है सबके लिए बना दी है कि नहीं, अगर आपके पास टैलेंट है, लगन है, मेहनत कर रहे हैं, तैयार हैं, तो बस एक्टर है और एक्टिंग करनी है तो वो करो और आगे बढ़ो। सो आखिरी नाम मैं लूँगी जो आपके दिल के बहुत करीब हैं और हमेशा आपके साथ रहते हैं। गेस किया आपने? मेरी पत्नी की बात कर रहे हैं। विकास कुमार। अच्छा, मैं नहीं, इसमें क्या बोलूँ मैं। मेरी कोशिश है हर दिन कि मैं एक सबसे पहले एक बेहतर पिता बनूं और एक बेहतर पति बनूं, और जब भी काम मिलता है तो एक बेहतर एक्टर बनूं। इस कोशिश में कभी कामयाब होता हूं, कभी 2 कदम आगे बढ़ता हूं, कभी थोड़ा फिसलता हूं, लेकिन कोशिश जो है वो प्योर है, वो 100% है, वो जारी रहेगी। थैंक यू सो मच विकास जी, आपने इतना समय दिया आपका, और कई बातें आपने ऐसी बताई जो शायद हमारे मतलब ऑडियंस के साथ साथ हम लोगों को भी कहीं ना कहीं बहुत जगह काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस मच इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ पर।